हे एवरीवन, वेलकम टू शो एमजाइस। मैं हूँ शिवांगी शर्मा और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की इकोनॉमिक्स। सो हम शुरू करते हैं। सो क्लास 11th की इकोनॉमिक्स में ये बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे है यूनिट 1, सो डेवलपमेंटल पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, 1947 to 1990। सो हियर वी आर। तो हम पढ़ लेते हैं, इस यूनिट में हम पढ़ने के वाले हैं। तो इस यूनिट में है दो चैप्टर, तो इनमें हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का एक ओवरव्यू, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसके बाद जो आगे के 4 साल, ठीक है, मतलब कैसा हमने पाथ चूज़ किया, कैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ, 5 ईयर प्लान्स के गोल्स, और वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। सो यहाँ पे है चैप्टर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कैसी थी हमारी इकोनॉमी जब हम इंडिपेंडेंट हुए ही थे। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं, हम फेमिलियर होने वाले हैं 1947 में हमारी इंडियन इकोनॉमी, और ऐसा क्या हुआ कि हम कैसे, क्या फैक्टर्स थे कि हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट थे, ठीक है, और क्या स्टेग्नेशन के चांसेस थे। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो सबसे पहले तो जो बेसिक फीचर है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो है कि वो बता पाए हमारी इंडियन इकोनॉमी की बेसिक फीचर्स, ठीक है, कैसे कैसे हम डेवलप कर रहे हैं हमारे इकोनॉमिक सेक्टर में, यही है, ठीक है, इसका मेन कोर, ठीक। तो जो आज हमारी इंडिया का इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है, वो ऑफ कोर्स जैसे इंडिपेंडेंट हुए वैसे तो नहीं बने होंगे, राइट, कुछ स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़े, और फिर अभी जो इकोनॉमी हमारे सामने है, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, ठीक है, तो ये अचानक से तो नहीं हुआ होगा। हम लोग 2 सेंचुरीज तक, लगभग 200 साल तक ब्रिटिश एम्पायर के अंदर थे, ठीक है, ब्रिटिश हमारे ऊपर राज करते थे 1947 में, हम इंडिपेंडेंट हुए, ठीक, ये तो हमें पता है। तो कॉलोनियल रूल था, उसमें इंडिया सिर्फ एक ना रॉ मटेरियल का सप्लायर रह गया था, वो भी कहाँ, ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यही है जो है, अब मतलब मेन यही है कि क्या हम आगे ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। और उन्होंने अपना जो एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस था, वो उसको अच्छे से बना लिया, ठीक है, और हम लोगों को सिर्फ एक एक्सपोर्टर बना के रख दिया रॉ मटेरियल का, ठीक है। हम देखते हैं लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। सो इंडिया एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी ब्रिटिश रूल के आने से पहले, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट थे, ये तो आज भी ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। इंडिया ब्रिटिश रूल से पहले एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी, तो इंडिया करता क्या था, बेसिकली इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हमारे इंडिया में बहुत डिफरेंट टाइप के हैंडीक्राफ्ट है, बहुत डिफरेंट तरह की आर्ट्स हैं, ठीक। इसके अलावा कॉटन और सिल्क के टेक्सटाइल्स थे, मेटल थे, प्रेशियस स्टोन का वर्क वगैरह किया जाता था उस टाइम में, और हमारी कंट्री का एक काफ़ी रेप्यूटेशन थी वर्ल्ड वाइड मार्केट पे, ठीक। सो अब ऐसा हो गया, जब हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल आ गया, तो हमारे ऐसे फंडामेंटल चेंजेस किए गए हमारे इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में कि इंडिया एंडेड अप नथिंग बट अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन हमारे ही रॉ मटेरियल्स ले जाके अपने ब्रिटेन में फिनिश्ड गुड्स बना के वापस लाके इंडिया में ही बेचता था, ठीक। तो ये सब कुछ किया, तो कोई नेशनल पर कैपिटा इनकम में इंक्रीमेंट देखी ही नहीं गई, क्यों, क्योंकि ब्रिटिश का और कुछ था ही नहीं, ब्रिटिश का मेन मोटिव था पैसा खाना, ठीक है, जितना पैसा हो वो ले जाए, जितना उनको प्रॉफिट हो वो ले जाए। तो जब उनका मेन मोटिव यही था, तो वो इंडिया की इकोनॉमी में ध्यान क्यों देंगे, नहीं देंगे एट ऑल। इसीलिए हमारी इंडियन इकोनॉमी में और हमारी नेशनल और पर कैपिटा इनकम में कोई भी एस्टिमेशन किया ही नहीं किया। वो क्यों चेक करेंगे कि इस कंट्री की पर कैपिटा इनकम क्या है, क्योंकि उनको तो कोई लेना देना नहीं, उनको तो प्रॉफिट मिल रहा है ना हमारी कंट्री से, ठीक है। इंडिया रिचेस्ट कंट्री थी ब्रिटिश रूल से पहले, इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था, ठीक है। तो उसके बाद कुछ लोग थे जिन्होंने एस्टिमेशन किया, वॉस यादव भी, नरोजी, विलियम दिग्वे, रिनले शिराज, वी के आर वी राव एंड आर सी देसाई, ठीक है। इन्होंने कुछ कोशिश किया था
पता करने का कि कितना हमारा कितना हमारा है नेशनल पर कैपिटा इनकम। बट ज़्यादातर स्टडीज़ में ये पता चला कि हमारी कंट्री में ना कुछ ग्रोथ है ही नहीं। 2% से भी कम ग्रोथ है, less than 2%, कुछ भी नहीं होता less than 2%। सो देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या था। जैसे कि हमें पता था कि हमारी कंट्री बेसिकली एग्रेरियन थी। 85% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड मोस्टली इन द विलेज, और जो अपना लाइवलीहुड था वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट था। कोई और 85% इज अ रियली लार्ज नंबर, ठीक है। 85% लोग सिर्फ उन्हीं पे डिपेंडेंट थे, ठीक है, एग्रीकल्चर पे। बट जब ब्रिटिश रूल आया, लार्ज पॉपुलेशन बनी, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ना बहुत ही कम हो गई। उन्होंने कुछ करने ही नहीं दिया हम लोगों को, उनको कोई टेंशन ही नहीं दी, कोई जिम्मेदारी नहीं। क्यों रखेंगे वो जिम्मेदारी, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था इंडिया की इकोनॉमी क्या है। वो हर चीज़ बस डुबाए जा रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कम किए जा रहे हैं, कुछ उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। उन्होंने पेड़ काट के, जंगल काट के एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया ताकि और कल्टीवेशन हो। ये क्यों आप बोलोगे कि ये तो अच्छी बात है ना कि कल्टीवेशन के लिए वो लैंड बढ़ा रहे थे। इसका मेन रीज़न ये था कि हम लोग रॉ मटेरियल्स बनाएं, और उस रॉ मटेरियल से ब्रिटिशर्स आगे जाके अपनी कंट्री में ले जाके उसका फिनिश्ड गुड बनाए। उनका मेन मोटिव तो यही था। उसके बाद कुछ ऐसे लैंड सेटलमेंट्स आए जिसके बाद तो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में तबाही होना शुरू हो गई। ज़मींदारी सिस्टम आ गया, ठीक है। उसमें क्या था, अब ऐसा था कि जो वो बोलेंगे, जो ब्रिटिशर्स बोलेंगे वही हम लोग उगाएंगे, जो वो बोलेंगे वैसे ही करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। ज़्यादा ज़मींदार भी पैसे खाने के उसमें थे कि सब कुछ पैसा मिले ताकि वो भी ब्रिटिशर्स को पे कर सके, थोड़ा अपनी जेब में भी रख ले। मतलब हमारी कंट्री की बस इकॉनमी में इतना तबाही मची गई इस टाइप में। चलो ये भी ठीक था, बट उसके बाद जो सबसे भयानक चीज़ आई एग्रीकल्चर के लिए, वो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने शुरू कर दिया वो क्रॉप्स उगवाना हम लोगों से जिनको वो बेच सके और बेच के पैसा आए। अब ठीक है, जब तक लोग राइस उगाते थे, वीट उगाते थे, तो तब तक लोग क्या करते थे कि थोड़े जो भी राइस है, ठीक है, सपोज उसको इतनी राइस देनी तो वो थोड़ा सा ना रख लेते थे। अब राइस का क्या, आप नमक के साथ खा लो तो भी आपका पेट भर जाएगा, ठीक है। वीट का क्या, आप मोटी सी रोटी बना दो तो भी पेट भर जाएगा। प्रॉब्लम तब आई जब उन्होंने ऐसी क्रॉप्स को उगाना शुरू किया जिनको खाया नहीं जा सकता, जैसे इंडिगो। इंडिगो को थोड़ी ना खा सकते आप लोग। जब ऐसी क्रॉप्स बननी शुरू हुई तब ज़्यादातर जो फार्मर्स थे वो भूखे मरने शुरू हो गए, ठीक है। जब कमर्शियलाइजेशन आया, जब वो चीज़ें बनानी जिनको खाया ही नहीं जा सकता, वो बोल रही है कि आप ज़्यादा फैब्रिक उगाओ, इंडिगो उगाओ, अब उनको तो हम नहीं खा सकते, ठीक है। जो कैश क्रॉप्स थे जिनसे थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा इनकम आए, जो फूड क्रॉप्स नहीं थे बेसिकली, ठीक है, जिनको खाया नहीं जा सकता था, ऐसी क्रॉप्स उन्होंने हम लोगों से बनवाना शुरू कर दी। तो ज़्यादातर लोग अब भूखे ही मरेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हाल था, जैसे एग्रीकल्चर वैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी कुछ इतना खास चीज़ थी नहीं। जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो तो ख़त्म होना शुरू हो गई। कोई भी हमारी जो प्राइड थी उसके लिए कोई भी एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस लाया ही नहीं गया। सब कुछ जो था वो था सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए। जो ब्रिटिशर्स बोलेंगे वो हमें करना पड़ेगा। ब्रिटिशर्स चाहते क्या थे, प्रॉफिट, हमारी कंट्री से सिर्फ प्रॉफिट उगाना। हमारी कंट्री जो है एक मेयर एक्सपोर्टर बन गई रॉ मटेरियल्स की, ठीक है। और जो भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी वो सब कुछ उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल था वो हमारी कंट्री से जाता था, और मॉडर्न इंडस्ट्री कहाँ, ब्रिटेन में। सेकेंडली, इंडिया में एक जो वो स्प्रॉलिंग मार्केट था ना फिनिश गुड्स का, वो इतना एक्सपेंशन हुआ कि मतलब हमारी कंट्री बस रॉ मटेरियल बेची ही जा रही थी, ठीक है। जिसकी वजह से मतलब हो यही रहा था कि वो सर्कल यही था पेन कि हम इंडिया में चीज़ें उगा रहे हैं, उस रॉ मटेरियल को ले जाके ब्रिटेन अपनी इंडस्ट्री में उसको बनवा रहा है और वापस आके हमारी मार्केट में बेच रहा है। मतलब हमारी ही चीज़ तुम हमें ही बेच दोगे, वो भी महंगे रेट में, बस अपनी कंट्री में बनवा के, ये
ये था ब्रिटेन का सर्कल, ये कर रहा था ब्रिटेन, ठीक है। बट सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में मॉडर्न इंडस्ट्री ने थोड़ा अपना जगह बनानी शुरू की, बट फिर भी प्रोग्रेस बहुत ही ज़्यादा धीमी थी। कॉटन और जूट की टेक्सटाइल्स थोड़ा थोड़ा डेवलप होना शुरू हुई। उसके बाद जो एक सबसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री बनी वॉज टिस्को, द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इन 1907, ठीक है। ठीक है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनना शुरू हुई। बट इधर कैपिटल गुड इंडस्ट्री में ना हार्डली ही कोई प्रमोट था कुछ न, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज तो थी ही नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं हम लोगों के पास। बस यही है कि जो ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं ये करो तो हम वो करेंगे। हम देखो जब इतनी न्यू इंडस्ट्रीज बनी, हमने अभी पढ़ा कंट्री, तो फिर हम तब भी हमारा जो जीडीपी है और जो ग्रेस वैल्यू है उसका बहुत ही कम रही। अब इतने अचानक से तो हम लोग नहीं शुरू कर पाए थे कोई भी चीज़, ठीक है। ऊपर से जो हमारा जो ब्रिटिशर्स का इम्पैक्ट रह गया था, जो ब्रिटिशर्स हमारे हैंडीक्राफ्ट सारे बर्बाद कर दिए उन लोगों ने, हमारी इंडस्ट्री सारी बर्बाद हो गई। जो रह गया वॉज ब्रिटिशर्स का कि हम रॉ मटेरियल बनाएं, वो जाके उसे मैन्युफैक्चर करें, फिर आकर वापस हमें हमें बेच दे, ठीक है। इसलिए हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर भी नहीं ग्रो कर पाया। उसके अलावा कुछ रेलवेज बनाए, कुछ पावर जनरेशन्स बनाए, कम्युनिकेशन बने, पोर्ट्स बने, ये सब कुछ बनाया किसने? ब्रिटिशर्स ने। तो अब आप बोलोगे वाओ ये तो अच्छी बात है, रेलवेज बन रही है तो ऑफकोर्स कंट्री डेवलप हो रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है, रेलवेज बन रही है, पावर जनरेट हो रही है, अच्छी बात है, पोर्ट्स बन रहे। बट इसका मेन रीज़न, इन सब चीज़ों का मेन रीज़न एक ही था कि वो रॉ मटेरियल को इजीली ब्रिटेन तक ले जा पाए। उसी के लिए ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें की जा रही थी। इसमें इंडिया के बेनिफिट का कोई रीज़न था ही नहीं, इंडिया के बेनिफिट को तो अनदेखा किया जा रहा था, ठीक है। फॉरेन ट्रेड, अब एंशियंट टाइम से ही इंडिया ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग कंट्री रही है। इंडिया का अच्छा रिलेशन रहा है बाकी वर्ल्ड के साथ। तो इंडिया प्राइमरी प्रोडक्ट्स का ना ये बन गया था एक्सपोर्टर, जैसे रो, सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा। और फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स जैसे कॉटन, सिल्क और वुलन क्लॉथ्स, कैपिटल गुड्स जैसे लाइट मशीनरी जो भी बन रहा था ग्रेट ब्रिटेन में, उस सब का इम्पोर्टर बन गया था, ठीक है। तो ये था, ऐसा हो रहा था कि हम लोग सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे थे हम लोग हमारी चीज़ें, और मतलब रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करके, जो भी हमारा रॉ मटेरियल था उसको हम एक्सपोर्ट करके फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट करते थे। और मज़े की बात ये कि ये फिनिश्ड गुड हमारे रॉ मटेरियल से बना हो रहा था, ठीक है। उसके बाद स्विस कनाल बनाया गया। क्यों स्विस कनाल इसीलिए बनाया गया, रुको एक मैप के थ्रू मैं आपको दिखाती हूँ, कि जब यूनाइटेड किंगडम्स इंडिया तक आते थे तो उनको ये पूरा एरिया ऐसे घूम के आना पड़ता था इंडिया तक, ठीक है। ये पूरा उनको इतना बड़ा चक्कर लगा के आना पड़ता था, तो उन्होंने यहाँ पर लैंड को काट काट के स्विस कनाल बना दी ताकि वो इजीली इंडिया तक पहुँच सके, ठीक है। इसलिए स्विस कनाल को बनाया गया था, और इसका भी मेन रीज़न यही था कि वो फॉरेन ट्रेड ज़्यादा इजीली कर पाए, ठीक है। उसके अलावा जो असेंशियल कमोडिटीज़ थी जैसे फूड ग्रेन, क्लॉथ्स, फूड ग्रेन और क्लॉथ्स आपको चाहिए चाहिए ना, कैरोसिन हो गई, ये बहुत ही मुश्किल से मिलता था हमारे डोमेस्टिक मार्केट में, ठीक है। इतने बुरे हाल कर दिए थे इन लोगों ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का, एग्रीकल्चर का भी, मैन्युफैक्चरर का भी, कुछ इन्होंने रखा ही नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन। तो पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वो फर्स्ट कलेक्टेड इन थ्रू द सेंसस इन 1881, ठीक है। 1881 में एक फर्स्ट सेंसस हुआ जिससे हमारी पॉपुलेशन को पता किया गया था, ठीक है। 1881 में जाके पहला सेंसस किया गया। उसके बाद 1921 में इंडिया वॉज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन। 1921 में इंडिया का पहला स्टेज था डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन के लिए, ठीक। तो हमारा जो ओवरऑल लिटरेसी लेवल था वो 16% से भी कम था, और फीमेल लिटरेसी रेट वो तो ना के बराबर है, देखने लायक ही नहीं है, वॉज 7%।
पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ही अनअवेलेबल थी, या फिर जहाँ पे मतलब जहाँ इतने सारे लोग हैं ना उनके लिए अवेलेबिलिटी ही नहीं है। अगर अवेलेबिलिटी है भी तो वो इनएडुकेट है, वो सफिशियंट ही नहीं है। ठीक है, लोगों को बीमारियाँ हो रही हैं हवा से, एयर पानी से बीमारियाँ हो रही है। उसके अलावा मोर्टैलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा था। व्हाट इज़ मोर्टैलिटी रेट, मतलब कितने लोग मर रहे हैं, ये मोर्टैलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा था। और जो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट था वो काफ़ी ज़्यादा था, 218 पर 1000। व्हाट इज़ टू इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट मतलब कितने बच्चे 1 साल के अंदर अंदर मर जाते हैं अपॉन 1000। ठीक है, तो 218, 218 बच्चे 1 साल होने से पहले ही मर जाया करते थे। ठीक है, बट अभी की जो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट है वो है सिर्फ 33 पर 1000। ठीक है, काफ़ी ग्रोथ है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो भी काफ़ी कम थी, 32 ईयर, सिर्फ 32 साल ही आदमी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी उस टाइम पे, बट अभी इट इज़ 69 ईयर्स। ठीक है, लगभग 70 साल एक आदमी जी सकता है। उसके अलावा अब इतना सब कुछ है तो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है पॉवर्टी। पॉवर्टी तो कॉलोनियल टाइम पे ऐसा अपना पैर पसार के बैठी थी कि जो गरीबी, इंडिया सोने की चिड़िया होने के बावजूद भी गरीब हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था, जो लोग यू नो डिफरेंट इंडस्ट्री में काम करते थे, डिफरेंट सेक्टर में काम करते थे, उनके लिए थोड़ा सा चेंज देखने को मिला। एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स। ऑफ कोर्स हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर कहीं का भी हो ना, इंडिया में कभी का भी हो, मैक्सिमम लोग ना एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। 70 to 75% ऑफ द पीपल वॉज इन एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स। मैन्युफैक्चरिंग एंड जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर था उसमें 10 to 15 to 20% थी रिस्पेक्टिवली। उसके अलावा एक जो ना स्ट्रिकिंग एस्पेक्ट आया जो ग्रो कर रहा था, वो रीजनल वेरिएशन। हमारी कंट्री एक डाइवर्स कंट्री है, हमारे हर एक स्टेट में अलग भाषा, अलग बोली, अलग खाना खाया जाता है, तो ऑफ कोर्स रीजनल वेराइटीज़ तो देखने को मिलनी ही मिलनी थी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमारी कंट्री में हमें चेंज देखने को मिला अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब है, ऐसी जगह पे एग्रीकल्चरल का काफ़ी इम्पैक्ट रहा। उसके अलावा ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर इंक्रीज़ हुए, जैसे रीजनल वेरिएशन हमने अभी डिस्कस किया कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग हमें यू नो चीज़ें देखने को मिली, कि कैसे कैसे हमें चेंज देखने को मिला ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब पढ़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें चाहिए ही चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना कुछ नहीं हो सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कंट्री डेवलप हो ही नहीं सकती, कंट्री के डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड होती है। ठीक है, कॉलोनियल रिजीम में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था वॉज रेलवे, पोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। ठीक है, ये लोग डेवलप हुआ, इनका डेवलप होने का पीछे का एक ही रीजन था, वॉज जो बेसिक एमिनिटीज़ थी हमारी कंट्री में, वो मतलब यू नो हमारी जो भी चीज़ें हम उनको प्रोवाइड कर रहे थे ना ब्रिटिश वालों को, वो ज़्यादा इजीली उसको उसका कमर्शलाइजेशन ज़्यादा इजी हो जाए, वो ज़्यादा यू नो इजीली उसको ट्रांसपोर्ट कर पाए, यहाँ से वहाँ भेज पाए, इसीलिए इन सब चीज़ों का यू नो ग्रोथ किया। उसके पीछे कोई और रीज़न था ही नहीं ब्रिटिशर्स का रेलवेज इंट्रोड्यूस करने में। इंडिया में रेलवेज 1850 में इंट्रोड्यूस हुई थी सबसे ज़्यादा, और इसका सबसे पहले सॉरी। और चलो एक अच्छा एस्पेक्ट ये था कि लोग अब ज़्यादा डिस्टेंस तय कवर पा रहे थे तय कर पा रहे थे सॉरी। और जो जियोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स थे ना वो टूट गए, क्योंकि काफ़ी लोग थे जिनको बस ये पता था गांव में कि ये गोरे लोग शहर में रहते, वो शहर क्या है वो देखने को मिला था उन्हें जब रेलवेज इंट्रोड्यूस की ब्रिटिशर्स ने इंडिया में। ठीक है, कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विच एडवर्सली अफेक्टेड द सेल्फ सफिशियंसी ऑफ विलेज एंड इकोनॉमिक्स इन इंडिया। हाँ, ये था जब हमारी इंडियन एग्रीकल्चर में कमर्शलाइजेशन देखने को मिला तो विलेज में काफ़ी यू नो काफ़ी चीज़ें अफेक्ट हुई। जैसे हमें मैंने बोला कि वो कैश क्रॉप्स उगवाते थे, नहीं फूड क्रॉप्स नहीं उगवाते थे, तो ज़्यादातर लोग भूखे मरते थे, और बट कैश क्रॉप्स का यू नो रेट ज़्यादा था। ठीक,
बहुत ही रेयरली कोई बेनिफिट हमें देखने को मिला, बट हाँ चलो थोड़े बेनिफिट्स तो थे। फर्स्ट रेलवे ब्रिज, जो पहला रेलवे ब्रिज बना जो बॉम्बे को थाने से जोड़ रहा था, जो 1854 में बना, वॉज दिस ब्रिज। ठीक है, दिस इज दैट ब्रिज, फिगर 1.4 रेलवे ब्रिज है। इंडियन पीपल गेन्ड ओइंग इंट्रोडक्शन, ठीक है, रेलवेज़ को ना, अब रेलवेज़ को पता चला लोगों को, तो लोगों ने रेलवेज़ में जाना शुरू किया, और कंट्री को एक जो ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस था ना, उससे थोड़ा वो मिला, क्योंकि अब रेलवेज आ चुकी थी हमारी कंट्री में। उसके अलावा इनलैंड ट्रेड और सी ट्रेड को भी ब्रिटिशर्स ने ट्राई किया कि अगर वो इनलैंड और सी ट्रेड भी कर सके, बट वो सेटिस्फेक्शन नहीं, उनको कुछ सेटिस्फेक्टरी रिजल्ट्स नहीं मिले, तो वो लैंड के थ्रू ही ट्रेड किया करते थे, हमारी हमारे रॉ मटेरियल्स को अपनी कंट्री में ले जाके उसका फिनिश गुड्स बना के फिर से वापस भेजना। वो ज़्यादातर रोड ट्रांसपोर्ट से ही करते थे, अपार्ट फ्रॉम एयर और वाटर। ठीक है, उसके अलावा कुछ एक्सपेंसिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में, वॉज द इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक एयरलाइंस है, टाटा एयरलाइंस। ठीक है, उसके अलावा कुछ पोस्टल सर्विसेज भी देखने को मिली। ठीक, डिस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पब्लिक प्रोसेस, रिमेन्ड ऑल थ्रू इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट थे, लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं थी, सेटिस्फैक्ट्री नहीं था ये बिल्कुल भी। ठीक है, इट वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री एट ऑल। सो अब हम पढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ, द लास्ट टॉपिक। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, जो पिछले 200 साल, 200 साल कम नहीं था, 200 साल का इम्पैक्ट तो रह ही गया था हमारे इंडिया में। ठीक है, इंडिया को अपनी इकोनॉमी ग्रो करने में थोड़ा सा टाइम तो लगा, लगेगा ही टाइम, क्योंकि 200 साल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और ब्रिटिशर्स ने तरह तरह के रूल्स इंट्रोड्यूस करवा दिए थे हमारे इंडिया में, और आज भी कुछ ऐसे रूल्स हैं जो अभी भी ब्रिटिशर्स के रूल्स हैं जो इंडिया में हैं अभी तक। ठीक है, फिर उसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर को मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग, इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, बट वो नहीं मिला थ्रू आउट द कोलोनाइज थ्रू आउट द जब तक ब्रिटिश राज चला हमारी कंट्री में। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में हमें थोड़ा अपग्रेडेशन देखने को मिला, बट वो सफिशिएंट नहीं था। ठीक है, इन अ नटशेल, सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस बिफोर द कंट्री वॉर वर एनॉर्मस। ठीक है, हाँ हमने तो ये पढ़ लिया कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, पोवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ग्रो हुआ बट सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक या दो मतलब इंडस्ट्रीज तो इंट्रोड्यूस हुई, बट उसका भी कुछ जीडीपी में कुछ ग्रोथ नहीं देखने को मिली हम लोगों को, और ऊपर से तो हमारा जीडीपी ये लोग कैलकुलेट ही बहुत रेयरली करते थे, बहुत ही रेयरली हमारा जीडीपी कैलकुलेट किया जाता था। सो हियर डेट इज़ इट फॉर द चैप्टर एंड द वीडियो एज वेल, थैंक यू।